Hello, my little champs. Hope you are totally fine. Guys, एक बार पहले भी मैं आपके सामने कुछ जीके के क्वेश्चंस ला चुकी हूँ, जिसका मोटिव था कि आप अपने आप को कैसे एक दूसरे के सामने रिप्रेजेंट करें. आज वापस से मैं आपके पास कुछ नए क्वेश्चंस लेके आई हूँ, जो कि हमारे मेंटल लेवल को इंक्रीज करते हैं और हमें बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी नॉलेज देते हैं जो उसको कैसे हम इंग्लिश में थ्रू आउट कन्वर्जेशन करें किसी के सामने. सो जस्ट हैव अ लुक. माई फर्स्ट क्वेश्चन इज, इफ समवन इज आस्क्ड यू हाउ मेनी फिंगर्स डू वी हैव इन टू हैंड्स, मतलब आपके दोनों हाथों में कितनी उंगलियां होती हैं, देन यू हैव टू से आई हैव 10 फिंगर्स इन माई टू हैंड्स. मीन्स मेरी दोनों हाथों में 10 उंगलियां होती हैं. इज़न इट क्लियर? ओके, नाउ मूव टू द सेकंड क्वेश्चन. द सेकंड क्वेश्चन इज, हाउ मेनी डेज इन अ वीक. मैंने आपको ऑलरेडी अ वीक्स पढ़ा रखे हैं, तो आपको बहुत अच्छे से पता भी होंगे कि वन वीक में कितने डेज होते हैं. तो जिन्हें पता है वेल एंड गुड, जिन्हें नहीं पता है उनके लिए है कि देर आर 7 डेज इन अ वीक. मीन्स वन वीक में 7 डेज होते हैं. और 7 डेज कौन कौन से हैं होते हैं आप सबको पता है. नहीं पता है तो मैं अपनी आगे वाली क्लास में आपको दोबारा रिपीट कर दूंगी. नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज, हाउ मेनी मंथ्स इन अ ईयर. वन ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, ये भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है. सो जस्ट लुक अ क्विक आंसर. एंड द आंसर इज, देर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर. मीन्स वन मंथ ईयर में 12 मंथ्स होते हैं. Isn't it? Now move to the next question. And the question is very important. Which animal is called the king of jungle? यानी जंगल का राजा कौन होता है. Guess what? I'll tell you. The answer is lion. Lion is the king of jungle, or you can say that it's forest. जंगल एंड फॉरेस्ट बोथ आर सेम, सो एज यू विश. सो लॉयन जो होता है, शेर, वो जंगल का राजा होता है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वेजिटेबल इज पर्पल इन कलर. कौन सी सब्जी होती है जिसका रंग पर्पल यानी कि बैगनी होता है. ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं वेजिटेबल्स के बारे में. सो द आंसर इज ब्रिंजल, यानी कि बैंगन. ब्रिंजल का कलर पर्पल होता है. And brinjal is also the king of vegetables. Remember that? Okay. Now, move to next question. Which fruit does not have any seed? कौन से फ्रूट में एक भी बीज नहीं होते हैं? Seed का मतलब बीज से होता है. So now, the answer is banana, means केला. Banana एक ऐसा फ्रूट होता है जिसमें कोई भी बीज नहीं होता है. And banana is the full of iron and calcium. So very good for health. So eat banana in a daily basis. Now this next question is totally based on our body parts. What is the use of our eyes? हमारी आँखों का क्या use है? So the answer is see, मतलब देखने के लिए. We can use our eyes for see. हम अपनी आँखों का प्रयोग देखने के लिए करते हैं. आँखों से ही तो हम देखते हैं ना. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन बेस्ड ऑन आवर बॉडी पार्ट. वी टेस्ट विद आवर, यानी कि हम शरीर के किस अंग से टेस्ट करते हैं. जब हम खाते हैं तो फ्लेवर की तीखा है, मीठा है, वॉट एवर, टेस्ट कैसे करते हैं. द आंसर इज टंग, मीन्स हमारी जो जीभ होती है वो टेस्ट करने के काम में आती है. सो वी कैन टेस्ट विद आवर टंग. Now, the next question is, what are our ears for? यानी हमारे जो कान होते हैं वो किस लिए होते हैं. कानों का basically use हम किस लिए कहते हैं आप सबको भी पता है. So, how to speak in English for this question? Listening and hearing, यानी सुनने और सुनाने के लिए हम अपने कानों का प्रयोग करते हैं. Isn't it? Now the next question. We smell with our, यानी कि हम जो सूंघते हैं चीज़ों को, fragrance जिसको कहते हैं, शरीर के किस अंग से करते हैं.
And the answer is we smell with our nose. यानी कि हम अपने नाक के द्वारा सूंघते हैं. Now the next question is how many colors are there in a rainbow? Do you know what is rainbow? I'll tell you. जब बारिश होती है तो 7 कलर का एक स्ट्रिप्स दिखती हैं हमें. This is called rainbow. बेसिकली ये बारिश में होती हैं. So there are 7 colors are there in a rainbow. Rainbow में 7 कलर्स होते हैं जिन्हें हम विब्योर के नाम से जानते हैं. ओके, सो नाउ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वेरी इम्पोर्टेंट वीडियो एंड आई होप यू लाइक इट. सो मैं वैसे तो बार बार ही आती हूँ, मैं फिर से आपके पास जीके के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आऊँगी. बट हैव अ नाइस डे, क्योंकि आज